हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप अगर जीएसएच में नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। ये मैं इंडियन पॉलिटी का पार्ट टू लेकर के आया हूं, जो आपके लिए क्या तो भारतीय संविधान का विकास का इतिहास कैसा था, किस तरीके से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन हुआ वो हम बताएंगे। इसका पार्ट वन मैंने अपलोड कर दिया है, आप पार्ट वन देख सकते हैं, जिसमें मैंने बहुत सारी बातें की हैं कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट और 1853 1813 के चार्टर एक्ट, 1909 के मॉर्लमेंट सुधार, तो इन सबकी मैंने बात की है कि किस तरीके से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। आप अगर अभी भी नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें और नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेंगे कि जितनी भी नई वीडियो आएगी उसकी हम बात करेंगे। इसमें क्या हम बात करेंगे, भारतीय संविधान के विकास का इतिहास क्या था, साइमन कमीशन, 1935 का अधिनियम, अगस्त प्रस्ताव आया था और क्रिप्स मिशन, इन सबों की हम बात करेंगे। आप इससे पहले वाली भी वीडियो देख लें, उसके बाद इसे देखें, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से आपको यूट्यूब चैनल पे ऐसा कोई नहीं पढ़ाया होगा, ऐसा किसी ने नहीं बताया होगा जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। ये सबसे अच्छे तरीके से मैं बता रहा हूं क्योंकि अभी बहुत सारे ने अपने पेड कोर्स कर दिए हैं बहुत सारी चीजें, तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि किसी को कह तो आप एजुकेशन दे रहे हैं तो बढ़िया से दें, ठीक है। कोई ऐसे बच्चे होंगे जो नहीं सरवाइव कर पा रहे होंगे, पेड नहीं कर पा रहे होंगे, तो मैं उन सबों के लिए सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आ रहा हूं, वो सब कुछ फ्री है, बहुत मेहनत से मैं बना रहा हूं वीडियो, आप जरूर देखें, ठीक है। आप कैसा लगता है आपको वीडियो वो आप सबसे पहले हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और किस कौन सा वीडियो आपको चाहिए कौन से सब्जेक्ट का तो वो आप हमें बताएं, मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1919 का भारत शासन अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, किस नाम से जाना था 1919 के भारत शासन अधिनियम को, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार को 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना था, ठीक है। अब इस अधिनियम में क्या बात की गई, इस अधिनियम में बात की गई कि प्रमुख उद्देश्य जो भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना था, जिसे ब्रिटिश सरकार ने पहली बार 20 अगस्त 1917 को घोषणा की थी। क्या की थी, पहली बार 20 अगस्त 1917 को घोषणा की थी। प्रमुख उद्देश्य जो इस अधिनियम का था वो भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना, क्या था, उत्तरदायी, भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार घोषणा कब की है, 20 अगस्त 1917 को, कब की थी है, 20 अगस्त 1917 को, ठीक है। इस अधिनियम के तहत पहली बार केंद्र में दो सदनीय विधानमंडल की स्थापना की, कौन सा दो सदन विधानमंडल की स्थापना किसमें की, 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में की गई, इसकी बात है। तो ये दो सदन था, एक था विधानसभा सभा और एक था विधान परिषद। विधानसभा किसे कहते हैं, निम्न सदन को कहते हैं। विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, 145 थी, जिनमें 104 निर्वाचित था, 41 मनोनीत था और इसका कार्यकाल 3 वर्षों का था। निम्न सदन विधानसभा की बात कर रहे हैं हम, कह तो लोअर हाउस जो है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो लोअर हाउस में क्या था कि इसमें विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, 145 थी उस वक्त 1919 के टाइम में, जिसमें क्या था कि 104 को निर्वाचित किया जाता, मतलब 104 का इलेक्शन होता था, 41 को क्या किया जाता, मनोनीत, मतलब चुना जाता था, ठीक है। इनका कार्यकाल होता था 3 साल का। अब ये विधानसभा आपको समझ में नहीं आ रहा है, विधानसभा, विधान परिषद, निम्न सदन, उच्च सदन, आप कहेंगे कि विधानसभा हमारा लोकसभा कहलाता है, निम्न सदन लोअर हाउस, अब विधान परिषद जिसके नाम से जानते हैं तो वो हम जानते हैं राज्यसभा, ये विधानसभा और विधान परिषद ये स्टेट में होता है कहेंगे, तो उस वक्त जो था कभी भी देश को कंट्री के नाम से नहीं जानते हैं, ठीक है, उसे स्टेट के नाम से ही जाना जाता है, क्या नाम से जाना था, स्टेट के नाम से ही। तो स्टेट में क्या होता है, विधानसभा ही होता है और विधान परिषद होता है। तो उसी टाइप पे उस वक्त चल रहा था 1919 का अधिनियम, जो कह तो ब्रिटिश के चल रहे थे, तो उसी को कहा था विधानसभा को इसने निम्न सदन कहा था और विधान परिषद को उच्च सदन कहा था। विधानसभा में अभी हमारा 545 होता है, जिसमें हम लोकसभा में क्या करते हैं, 2 को हम मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति आर्टिकल 331 के तहत, और राज्यसभा जो होता है अपर हाउस उसमें 12 मनोनीत किया जाता है। तो उसमें 12 मनोनीत किया जाता है, वो आर्ट से होते हैं, किसी चीज से होते हैं जिसमें वो एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है। तो इसका में और विधानसभा, अभी जो राज्यसभा उसका कार्यकाल होता है 6 वर्षों का, और उसमें हर 2 साल पे 1/3 साइड हो जाते हैं। तो इसका जो था 1919 का भारत शासन अधिनियम, उसमें था कि 145 तो सीट थी टोटल, जिसमें 104 को हम इलेक्शन के जरिए निर्वाचित कर देते हैं और 41 को मनोनीत करता था, इसका कार्यकाल सिर्फ 3 साल होता था। विधान परिषद में क्या था, अपर हाउस में, उच्च सदन में, विधान परिषदों की कुल संख्या 60 थी, क्या थी, 60 थी, जिनमें 34 निर्वाचित होते थे और 26 को चुना जाता था, इसका कार्यकाल होता था 5 वर्षों का। इसमें क्या था कि प्रांतों में विधान परिषद के रूप में एक सदनीय विधानमंडल की स्थापना की गई,
जिसमें बड़े प्रांत के लिए उनके सदस्यों की संख्या 140 और छोटे प्रांतों के लिए 60 निर्धारण की गई। विधान परिषद में एक सदन विधान मंडल की स्थापना की गई जिसमें प्रांतों में जो सदन था कि इसके सदस्य की संख्या कितनी होनी चाहिए, 140 होनी चाहिए। एक अगर सदस्य आएगा वो बड़े प्रांत का होगा तो उसकी संख्या 140 होगी और जो छोटे प्रांत से आएगा उसका कितना था, 60 सदस्य होना चाहिए। ठीक है, इसमें 70% सदस्य निर्वाचित व 30% मनोनीत रखे गए। ठीक है, पहली बार केंद्र व प्रांत में दो सूचियों के माध्यम से शक्तियां विभाजन किया गया। अब क्या है कि हमारा सेंट्रल में भी है, सेंट्रल के पास भी शक्ति है और स्टेट के पास भी शक्ति है, लेकिन दो थी तो इसमें भी उस वक्त भी यही, उस टाइम भी यही कहा गया था उस समय कि पहली बार जो हुआ था वो 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड में, कि दो दो तरीके से दो शक्तियां दिखे, एक संघीय शक्तियां और एक प्रांतीय संख्या। संघीय सूची जो था वो संघीय सरकार चलाती थी और प्रांतीय सूची वो प्रांतीय सरकार के अधीन था। ठीक है, नेक्स्ट है कि इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैत प्रशासन के लागू हो गया। इस अधिनियम अगर आपसे पूछा जाए कि द्वैत शासन प्रणाली कब शुरू की गई, तो 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार से। इस योजना के अनुसार प्रांतीय विषय को दो उपवर्गों में विभाजित किया गया, एक कर दिया गया आरक्षित में, दूसरा हस्तांतरित में। अब हस्तांतरित में किया गया तो आरक्षित विषयों का प्रशासन गवर्नर जनरल तथा उसके कार्यकारी परिषद को सौंपा गया। अब आरक्षित वाला कौन काम करेगा उस पर, गवर्नर जनरल करेगा। ठीक है, यह कार्यकारिणी परिषद को दिया गया। हस्तांतरित विषयों पर प्रशासन गवर्नर जनरल द्वारा विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी भारत के मंत्रियों की सहायता से किया जाता था। हस्तांतरित विषयों पर कौन बनाता था, तो यह गवर्नर जनरल के द्वारा विधान परिषद के प्रति जो भारत के भारतीय मंत्री थे, भारत के जो मंत्री थे उसकी सहायता से इस पर काम किया जाता था। अब है कि आरक्षित विषयों के अंतर्गत कौन कौन था, वित्त था। आरक्षित पे कौन है, सेंट्रल बनाएगी, केंद्र बनाएगी। ठीक है, तो वो आरक्षित था केंद्र के लिए, वो कौन कौन था, वित्त था, भूमि था, भूमिकर, अकाल सहायता, न्याय, पुलिस, पेंशन, समाचार पत्र, सिंचाई, जल मार्ग, कारखाना, बिजली, गैस, श्रमिक कल्याण, औद्योगिक विकास, छोटे बंदरगाह और सार्वजनिक सेवाएं आदि जैसे विषय रखे गए। आरक्षित में कौन सब रखे गए, ये सारी चीजें आरक्षित में रखी है। आपको मैं फिर से बता दूं कि आरक्षित ये सेंट्रल के लिए है, केंद्रीय बनाएगी। इस पे बात की गई कि इस केंद्रीय पे कौन बनाता आरक्षित में, प्रशासन का गवर्नर जनरल या कार्यकारिणी जो परिषद में रहते हैं उसे ये काम दिया गया था। इसमें क्या क्या आता है, वित्त आता है, भूमिकर आता है, अकाल सहायता आता है, न्याय आता है, जस्टिस, पुलिस आती है, पेंशन, समाचार पत्र, सिंचाई, जल मार्ग, कारखाना, बिजली, गैस, श्रमिक कल्याण, औद्योगिक विवाद, छोटे बंदरगाह और सार्वजनिक सेवा आदि जैसे विषय रखे गए। अब हस्तांतरित विषय में कौन से रखे गए, उसके अंतर्गत रखा गया शिक्षा, पुस्तकालय, लाइब्रेरी, संग्रहालय, म्यूजियम, स्थानीय स्वायत्त शासन, चिकित्सा सहायता, मेडिकल फैसिलिटी, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उद्योग इंडस्ट्री, सार्वजनिक मनोरंजन पर नियंत्रण और धार्मिक जैसे विषय रखे गए। ये रखा गया हस्तांतरित विषय में। इस एक्ट में संघ लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान हुआ। अब क्या है कि संघ लोक आयोग सेवा, यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग का गठन प्रावधान किया गया। इस आयोग का गठन कब किया गया, 1984 में गठित ली गई सिफारिश में 1926 में किया गया। इस आयोग का गठन कब हुआ, 1984 में जो गठित कमीशन की गई थी, ये कमीशन 1926 में गया। संघ लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ, 1984 में, लेकिन ये कब बना फॉर्मेशन, 1926 में ये बना। संघ लोक सेवा आयोग कब बना, 1926 में। द्वैत शासन का प्रारंभ कब से हुआ, 1 अप्रैल 1921 को हुआ, जिसके जन्मदाता लियोनस कार्टिस को माना जाता है। द्वैत प्रशासन का फादर अगर किसी को माना जाता है तो वो कौन है, लियोनस कार्टियस को माना जाता है द्वैत शासन का फादर। ये कब हुआ था प्रारंभ, 1 अप्रैल 1921 को प्रारंभ हुआ था। ठीक है, अब द्वैत प्रशासन की बात की गई थी वो 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड में ही। नेक्स्ट है कि साइमन कमीशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट नजर आ रहा है। साइमन कमीशन क्या था कि वायसराय लॉर्ड इरविन के समय भारत सचिव वर्किड हेड ने 3 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन की अध्यक्षता में सात साइमन कमीशन का गठन किया। ये कब किया गया, वायसराय कौन थे, लॉर्ड इरविन थे। कौन थे वायसराय, लॉर्ड इरविन थे, और उसमें भारत का सचिव कौन था, वर्किड हेड ने, कौन थे, वर्किन हेड थे, और 3 नवंबर 1927 को कब हुआ था, यह 3 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन की सात सदस्य थे, उसमें सात साइमन कमीशन का गठन किया गया। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन मुंबई पहुंचा। ये कब पहुंचा मुंबई, 3 फरवरी 1928 को। एक भी सदस्य भारतीय नहीं होने के कारण इसका विरोध किया गया। अब यह गठन हुआ 3 फरवरी 1928 को, भारत कब आया, यह
3 फरवरी 1928 को मुंबई पहुंचा था। अब इसका विरोध क्या हुआ, लाठीचार्ज होने के बाद होने घायल, 17 मई 1928 को लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। इसका जो भारतीय विरोध कर रहे थे तो प्रहार किया गया ब्रिटिश की तरफ से, बहुत ज्यादा प्रहार किया गया जिसमें लाठीचार्ज हुई और लाठीचार्ज होने में घायल हो गए थे। कौन हो गए थे, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय को क्या आया था, पंजाब केसरी कहा जाता था, उनको बहुत लाठीचार्ज किया गया था। तो 17 नवंबर 1928 को इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है क्या, साइमन कमीशन की रिपोर्ट के रिपोर्ट पर विचार करने के लिए 1930, 31 और 32 में लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। कब कब किया गया, कभी कभी कंफ्यूज हो जाता सब कि 31, 32, 33, नहीं बिल्कुल नहीं, 30 से स्टार्ट हुआ 19 साइमन कमीशन की रिपोर्ट पे भी ये विचार करने के लिए। अब पूछे कि गोलमेज सम्मेलन किस लिए किया गया था, तो वो इसलिए किया गया था कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर जो विचार करने के लिए वो 3 गोलमेज सम्मेलन थे, कौन कौन थे, 1930 था, 1931 था और 1932 था। ये कहाँ हुआ, लंदन में हुआ तीनों गोलमेज सम्मेलन। अब तीनों गोलमेज सम्मेलन में भारतीय भीमराव अंबेडकर ने 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। अगर आपसे पूछा जाए कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन भारतीय ने भाग लिया, तो वो अकेले भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 5 मार्च 1931 को हुए गांधी इरविन समझौते के आधार पर गांधी जी के नेतृत्व में 1931 के दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए कहा। भाग लेने के लिए गांधी जी ने कौन से सम्मेलन में भाग लिया, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में, और वो कौन सा था, 1931 का गोलमेज सम्मेलन था। कौन सा था, 1931 का गोलमेज सम्मेलन था, कहां हो रहा था, लंदन में। 16 अगस्त 1932 को तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक के संबंध में एक घोषणा की, जिसमें दलित सहित 11 समुदाय के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई। अब इसमें जो 1932 में क्या हुआ, पूना पैक्ट हुआ था, क्या हुआ था, पूना पैक्ट हुआ था, किसके बीच, भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच। वो बात क्या थी कि 16 अगस्त 1932 में यही बात हुई थी, उस वक्त जो प्रधानमंत्री थे ब्रिटिश के तत्कालीन रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक के संबंध में एक घोषणा की थी, जिसमें क्या होता है कि दलित को 11 समुदाय के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई, और इस व्यवस्था का विरोध करते हुए 20 सितंबर 1932 को पुणे के यरवदा जेल में गांधी जी ने अनशन प्रारंभ कर दिया। अब इस व्यवस्था को गांधी जी को शायद अच्छा नहीं लगा कि नहीं ये बिल्कुल बांटा जा रहा है हमारे देश में, कि दलित समुदाय को और हमारे जो संबंध है वो इसको फूट डालने की बात कर रहा है। तो ये क्या किया कि 20 सितंबर 1932 को पुणे में जो यरवदा जेल थे उसमें गांधी जी ने अनशन प्रारंभ कर दिया गया था। मदन मोहन मालवीय, जिसे महामना कहा जाता है, मदन मोहन मालवीय और राजेंद्र प्रसाद के प्रयासों से 26 सितंबर 1932 को गांधी जी व अंबेडकर के मध्य एक समझौता हुआ, जिसमें संयुक्त हिंदू निर्वाचन व्यवस्था के तहत दलितों के लिए स्थान आरक्षित रखने पर सहमति बनी। अब जो पूना पैक्ट हुआ था वो इसी पर हुआ था कि निर्वाचन क्षेत्र दिया था दलितों को, उसको आरक्षण दिया जाए। इस समझौते को पूना समझौता के या पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। यहीं से संविधान के आरक्षण की पद्धति शुरू हो जाती है। भीमराव अंबेडकर चाहते थे कि दलितों को आरक्षण मिले, और आरक्षण की बात कब की गई, पूना पैक्ट में ही कही गई, 1932 में, जो भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है 1935 का भारत शासन अधिनियम, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। भारत में जितने भी कह तो आर्टिकल लगभग हैं, इसमें कह तो 200 कुछ आर्टिकल जो हैं वो यहीं से लिए गए हैं, जिसमें थोड़ा उलट फेर करके कह तो लिया गया। यह क्या है कि यह 1 अप्रैल 1935 को लागू हुआ, जिसमें 448 अनुच्छेद थे। कितने अनुच्छेद थे 1935 के भारत शासन अधिनियम में, 448 अनुच्छेद थे 1 अप्रैल 1935 को लागू हुआ। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत शासन अधिनियम कब लागू किया गया, तो ये 1 अप्रैल 1935 को, सॉरी 398 अनुच्छेद लगभग इससे लिए गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें कितनी अनुसूची थी, 16 शेड्यूल्स थे। कितने अनुसूची थी, 16 अनुसूचियां थी, इनमें 321 अनुच्छेद, इसमें क्या था, 321 अनुच्छेद व 10 अनुसूचियां भारत पर लागू होती थी। कितना लागू होती थी, 448 में 321 और 10 अनुसूची, 6 अनुसूची और कुछ आर्टिकल वो कहाँ लागू होती थी, वो होती थी बर्मा म्यांमार पर लागू होती थी। कहाँ लागू होती थी, बर्मा जो म्यांमार है अभी, वहां लागू होती थी, म्यांमार हमारा पड़ोसी देश है। भारत पहली बार केंद्र व प्रांतों में 3 सूचियों के माध्यम से शक्तियां विभाजन हुआ। अब कितनी सूची हो गई, 3 सूचियों पे ये विभाजन किया गया। इसमें कौन कौन है, संघीय सूची, प्रांतीय सूची और संबंधित सूची। पहले कौन था, दो ही था, संघीय सूची थी और प्रांतीय सूची थी, जो संघ सरकार के अधीन आता था संघीय सूची, और प्रांतीय सूची प्रांतीय सरकार के अधीन आता था। तो संघीय सूची में टोटल सब्जेक्ट थे 59 सब्जेक्ट थे, कितने सब्जेक्ट थे, 59 सब्जेक्ट थे। प्रांतीय सूची स्टेट गवर्नमेंट के पास कितना था, 54 था, कितना था, 54 था। और कंकरेंट लिस्ट संवर्ती सूची संघ सरकार के अधीन आता था, इसमें कितना था, 36 था, कितना था,
36 था, ये कहा था कि स्टेट भी बना सकता है और यूनियन भी बना, सेंट्रल भी बना सकती है। अवशिष्ट विषय जो सूची में नहीं थे वायसराय को प्रदान किए। अब इसमें जो बच गया, जितनी सारी सूचियां थी वो बच गया, वो किसे प्रदान की गई? वायसराय को, जिसके कारण वायसराय को यह अधिकार प्राप्त हो गया कि वह किसी भी विषय को सूची में शामिल करे। किस विषय को सूची में शामिल करना है, यह अधिकार अब प्राप्त हो गया था कि उसे किस विषय को सूची में शामिल करना है और नहीं करना है। ठीक है, इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया। द्वैत शासन का जनक कार्लेनियस को कहा जाता है। ठीक है, और जो द्वैत पर शासन था उसको अब क्या कहता है, द्वैत शासन को समाप्त कर केंद्र में द्वैत शासन लागू कर दिया गया। अब क्या किया गया, इसे केंद्र में लागू कर दिया गया। केंद्रीय प्रशासन के विषय को दो भागों में विभाजित कर दिया गया, फिर अब दो भागों में विभाजित हो जाता है केंद्र के अंदर। अब ये क्या क्या है, आरक्षित विषय पर कौन सा था, रक्षा आ गया, विदेश मामले में गवर्नर जनरल अपनी परिषद की सदस्यता करता था, तथा हस्तांतरित विषयों का प्रशासन गवर्नर जनरल अपनी परिषद की सहायता से करता था। विदेशी मामला गवर्नर जनरल अपने परिषद की सहायता से करता था। आरक्षित विषय जैसा रक्षा की बात करेगा तो ये क्या करेगा, विदेशी मामले के गवर्नर जनरल अपनी परिषद की सहायता से करता था, और हस्तांतरित विषयों का प्रशासन गवर्नर जनरल अपनी मंत्री परिषद की सहायता से करता था जो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी था। ठीक है, प्रांतों में स्वायत्त शासन की स्थापना की गई। प्रांतों पर केंद्र का नियंत्रण समाप्त कर देगा, प्रांतों पर जो केंद्र का नियंत्रण था वो इसे समाप्त कर देगा। प्रांतों के गवर्नर ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते थे, ना कि गवर्नर जनरल कहते हैं। अब डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्ट अब प्रांत के गवर्नर जनरल से कहते उससे जानकारी लेंगे, उसको निर्देश देंगे, वो सारी चीजें अब किसके अंदर आ गए, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर आ गए। लेकिन पहले क्या था कि गवर्नर जनरल के अधीन रहता था कि ये करना है और ये करना है। अब गवर्नर जनरल किसके अधीन रहता था, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन रहता था। ठीक है, इस एक्ट के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग के गठन के साथ साथ राज्य लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। इस प्रावधान में क्या बात की गई, 1935 के अधिनियम में इसमें की गई कि संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा और राज्य लोक सेवा आयोग का भी गठन किया जाएगा, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का, और एक कंबाइंड सर्विस कमीशन था, पब्लिक सर्विस कमीशन, संयुक्त लोक सेवा आयोग जो था उसका भी प्रावधान इसी अधिनियम में किया गया। इसमें था कि 11 प्रांतों में विधानसभा का गठन किया गया, जिसमें 6 प्रांतों को द्विसदनीय विधानमंडल की स्थापना की गई, तथा प्रांतीय व्यवस्थापिका में सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार कर उसमें अलग अलग प्रांत अलग उसमें आंगल भारतीय, ईसाई, यूरोपीय तथा हरिजनों को भी शामिल कर दिया गया। अब क्या था कि 11 प्रांतों में विधानसभा का गठन किया। ठीक है, तो 6 प्रांतों में कौन सा था, द्विसदनीय विधानमंडल की स्थापना की गई और 5 में नहीं की गई। अब इसमें प्रांतीय व्यवस्थापिका में क्या था, ये प्रांतीय में तो क्या था कि सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार किया। सांप्रदायिक पद्धति में क्या क्या था कि उसमें आंगल भारतीय को भी शामिल कर दिया गया, मतलब जो इंडियन और आंगल भारतीय कौन हुए के इंडियन इंग्लिश इंडियन, या फिर वो इंडिया से क्या तो ब्रिटेन के चले गए हो या फिर ब्रिटेन से इंडिया आए हो, तो वैसे जो रिलेशन बने थे आंग्ल भारतीय उसको शामिल किया गया, ईसाई क्रिश्चियन जो ईसाई जो थे उसको शामिल किया गया, यूरोपीय जो थे उसे भी शामिल किया गया, और हरिजनों को जो आरक्षण था उसे भी शामिल किया गया। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935 के अधीन फरवरी 1935 में 11 प्रांतों के विधानमंडल चुनाव कराए गए। 1935 में क्या किया गया, चुनाव कराया गया, जिसमें 6 प्रांतों में कांग्रेस को भारी सफलता प्राप्त हुई। कांग्रेस 6 जगह से बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करते, और 3 प्रांतों में कांग्रेस ने मिलीजुली सरकार बनाई। 6 में तो पूरे अपनी सत्ता ले ली, 3 में क्या की कि मिलीजुली सरकार बनाई, 6-3-9 हो गया। अब 11 प्रांत है तो 9-2-11 दो प्रांत इससे नहीं होते हैं। आरबीआई रिजर्व बैंक संघीय रेलवे प्राधिकरण की स्थापना की, आरबीआई ने संघीय रेलवे प्राधिकरण की स्थापना की। आरबीआई की स्थापना जो होती है वो 1 अप्रैल 1935 को होती है। ठीक है, मुख्यालय मुंबई में। बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया, ये किस में किया गया, 1935 के शासन अधिनियम में बर्मा को अलग कंट्री कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव कब आया था, 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया था, इसे अगस्तस प्रस्ताव के नाम से भी जानते हैं या 1940 के प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। 1940 के वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो, कौन थे उस वक्त वायसराय 1940 में अगस्त प्रस्ताव के टाइम, लॉर्ड लिनलिथगो ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसमें कहा कि भारत का संविधान बनना भारतीयों का अपना एक अधिकार है। इसमें क्या था कि भारत को लॉर्ड लिनलिथगो ने क्या कहा था कि भारत का संविधान बनाना भारतीयों का अपना एक अधिकार है, और द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति पर भारत में औपनिवेशिक स्वराज स्थापित किया जाएगा। द्वितीय उस वक्त द्वितीय विश्व युद्ध चला था, 1940 से 44 तक चला था, 1940
1944 से 48 तक, कब चला था? 1944 से 48 तक द्वितीय युद्ध चला था। तो द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति पर भारत में औपनिवेशिक स्वराज स्थापित किया जाएगा, जिसे अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने इस प्रस्ताव पर असंतोष व्यक्त किया। उस वक्त दो क्या तो दो लीग थे, दो पार्टी थी, एक थी कांग्रेस, कौन थी? कांग्रेस थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, और दूसरा था मुस्लिम लीग। ठीक है, तो इस दोनों ने असंतोष व्यक्त किया कि नहीं, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं। उसके बाद आता है क्रिप्स मिशन आता है। क्या आता है? क्रिप्स मिशन 1942 में आता है। अब क्रिप्स मिशन आता है तो मार्च 1942 में प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल, कौन रहते उस वक्त प्रधानमंत्री? विंस्टन चर्चिल ने सर स्टोफर्ड क्रिप्स, उसका नाम क्या था? क्या तो सर स्टोफर्ड क्रिप्स वायसराय था, को भारतीय नेताओं से वार्ता करने हेतु भारत भेजा गया। किसे भेजा गया? भारत भारतीयों से वार्ता करने के लिए, भारत के नेताओं से बात करने के लिए किसे भेजा गया? स्टोफर्ड क्रिप्स को भेजा गया। किसके काल में? विंस्टन चर्चिल, जो प्रधानमंत्री 1942 में, उन्होंने ही भेजा था। तो क्रिप्स ने यह प्रस्ताव दिया कि द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत नए संविधान की रचना के लिए निर्वाचित संविधान सभा का गठन किया जाए। क्रिप्स का प्रस्ताव क्या दिया था? कि द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत ही नए संविधान की रचना की जाए, मतलब न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए। ठीक है, उसमें निर्वाचित संविधान सभा का गठन किया जाए। ठीक, भारत को उपनिवेशिक का दर्जा दिया जाएगा। भारत को क्या दिया जाएगा? उपनिवेश का दर्जा दिया जाएगा एवं प्रांतों को संविधान स्वीकार करने या अपने लिए अलग संविधान के निर्माण की स्वतंत्रता दी जाएगी। क्रिप्स मिशन के तहत क्या क्या गया कि उपनिवेश का दर्जा भी दिया गया भारत को और अपने संविधान, अलग से संविधान निर्माण करने की स्वतंत्रता भी दी जाएगी। मुस्लिम लीग ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया क्योंकि वह देश का सांप्रदायिक आधार पर विभाजन चाहता था। अंग्रेज क्या चाहता था? कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग बट जाए। ठीक है, ये अलग अलग तरीके से फूट डालना चाहते थे, लेकिन मुस्लिम लीग उस वक्त बहुत समझदार का काम किया कि उसने प्रस्ताव को ठुकरा दिया और कहा कि नहीं, बिल्कुल नहीं, ये सांप्रदायिक आधार पर विभाजन बिल्कुल नहीं चाहता। सांप्रदायिक आधार पर विभाजन चाहता था अंग्रेज चाहता था, लेकिन ये मंजूर नहीं किया मुस्लिम लीग ने कि सांप्रदायिक आधार पर विभाजन बिल्कुल नहीं हम करेंगे, जिसे मंजूर नहीं किया गया। जबकि कांग्रेस ने इस प्रस्ताव का विरोध इसलिए किया क्योंकि इस प्रस्ताव में भारत के टुकड़े में बांटने की संभावना को द्वार खोल दिए थे। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों समझ रहे थे अच्छे तरीके से कि अगर मैं स्वीकार कर लेता हूं कि नहीं, अपनी अपनी स्वतंत्रता अपना अपना बना लेंगे, अलग अलग प्रावधान कर लेंगे, तो ये हम क्या करेगा कि कमजोर हो जाएगा, और जब इंडिया कमजोर हो जाएगा भारत, तो फिर ये शासन और दिनों तक करेगा। तो इसलिए मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने इसे अस्वीकार कर दिया और बोला बिल्कुल नहीं, हम इसे मानेंगे। ठीक है, महात्मा गांधी ने इसे क्या कहा? इसे बाद में कहा कि तिथि का चेक, इसे बाद के तिथि का चेक, पोस्ट डेटेड चेक कहा, जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस प्रस्ताव को टूटते हुए बैंक के नाम के बाद की तिथि का चेक कहा। क्या हुआ कि टूटते हुए बैंक के नाम की विधि किसने कहा, ये नाम की तिथि का चेक, ये कहा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्रिप्स मिशन 1942 को, और क्रिप्स मिशन 1942 को गांधी ने क्या कहा, यह आउटडेटेड पोस्ट चेक है। क्या है? पोस्ट डेटेड चेक है, यह आउटडेटेड पोस्ट चेक है, इसे बाद की तिथि का चेक कहा गया। फिर नेक्स्ट आता कि वेबल योजना 1945 का वेबल योजना क्या था? यह था कि वायसराय लॉर्ड वेबल ने एक विस्तृत योजना तैयार की जिसे वेबल योजना कहा था। किसने तैयार की थी? उस वक्त वायसराय थे लॉर्ड वेबल, कौन थे? लॉर्ड वेबल, और लॉर्ड वेबल ने जो योजना तैयार की उसे वेबल योजना के नाम से ही जाना जाता है। इस योजना के तहत केंद्र में नई कार्यकारिणी परिषद का गठन किया गया। अगर पूछा जाए कि नई कार्यकारिणी परिषद का गठन किसके काल में किया गया, तो यह लॉर्ड वेबल के काल में किया गया। परिषद में वायसराय तथा सैन्य प्रमुख के अतिरिक्त विशेष सभी सदस्य भारतीय थे। परिषद में क्या था? वायसराय तथा सैन्य के प्रमुख अतिरिक्त जो भी थे वो भारतीय थे, और प्रतिरक्षा विभाग वायसराय के अधीन था। क्या था? प्रतिरक्षा विभाग वायसराय के अधीन था। कार्यकारिणी में मुस्लिम सदस्यों की संख्या हिंदुओं के बराबर थी। उस वक्त क्या था कि मुस्लिम के भी सदस्य और हिंदू के भी सदस्य कार्यकारिणी में बराबर थे। नेक्स्ट है, थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट दूसरे वीडियो में। ये पार्ट टू मैंने कंप्लीट कर दिया, जिसमें साइमन कमीशन, भारत के क्रिप्स मिशन, 1935 का अधिनियम, सबको कंप्लीट कर दिया। कैसा लगा आपको वीडियो, आप कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक्स फॉर वाचिंग, फिर मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। आप अभी भी हमारे जीएस टच में नए हैं इस चैनल पे, तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, और आप हमें बताएं, कॉपरेट करें कि कौन सा वीडियो आपको बेहतर होगी, कौन से वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन से वीडियो चाहिए, वो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। मैं उस पर भरपूर ट्राई कर रहा हूं कि आप तक मैं अच्छी से अच्छी वीडियो, अच्छे से अच्छे नॉलेज आप तक पहुंचा सकूं। थैंक यू सो मच।